अंबाला शहर के बाद अब अंबाला छावनी में नगर परिषद एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार अतिक्रमण करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अंबाला छावनी में सिविल हॉस्पिटल से लेकर जगाधरी रोड तक पीला पंजा चलाया गया और अतिक्रमण को हटाया गया। लोगों ने अपनी दुकानों से कई फुट आगे तक दुकानें लगा रखी थी, जिसकी वजह से सड़क जाम होना लाजमी था। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि अंबाला छावनी में ट्रैफिक को कम करने के लिए अतिक्रमण को हटाया। लोगों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन लोग अपनी दुकानें कई फुट सड़कों पर ले आते हैं, जिसकी वजह से नगर परिषद को कार्रवाई करनी पड़ती है। नगर परिषद सेक्रेटरी ने लोगों से अपील की कि शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। परिषद अंबाला सदर द्वारा सिविल हॉस्पिटल से लेके पूरी जगाधरी रोड पर और ये आपका जितना इंडस्ट्रियल एरिया था तो और इधर से टांगरी ब्रिज बंदे थे, दोनों साइड पे जितनी भी एंक्रोचमेंट है या जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, रेडी फड़ील का जैसे पूरी सड़क तक घेर रखी है, जिससे कि यातायात में असुविधा होती है और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार इन लोगों को चेताया जाए कि अपना सामान अपने हाथ में रखें और अपना जो है आप भी ये शांतिपूर्वक काम करें, ताकि नगर परिषद पर किसी कोई भी कार्रवाई ना करनी पड़े। परंतु जब ये लोगों द्वारा बार बार नहीं माना जाता तो इस कारण आज नगर परिषद को अंबाला सदर द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे अपना सामान अपनी दुकानों के हाथ में रखें और अपना यातायात से चले और एक ये शहर है, इस स्वच्छ शहर के रूप में उभरे, क्योंकि जो इसके हमारे अपना माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो इस शहर को एक सुंदर शहर बनाया जा रहा है और इसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको हमारा भी जनता का सहयोग बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना पूरा सहयोग करें और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जो है सामान को अपनी दुकानों का हाथ में रखें, ताकि किसी को किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करें। सर, यहाँ जो दुकानें बिल्कुल आगे बढ़ाई गई हैं, उनका सामान भी जब्त किया जो उनको वापसी दे दिया जाएगा, आपके सामने ये जितना है जो भी सामान भी जब्त किया जा रहा है और उनको आज पीछे बिठवाया जा रहा है, अगर ये फिर भी दोबारा अगर ये दोबारा कोई आती है फिर कोई समय मिलती है तो इनका जो सामान समय जब्त पूरा करती है और इनका चलान भी करती है। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें। परिषद अंबाला सदर द्वारा सिविल हॉस्पिटल से लेके पूरी जगाधरी रोड पर और ये आपका जितना इंडस्ट्रियल एरिया था तो और इधर से टांगरी ब्रिज बंदे थे, दोनों साइड पे जितनी भी एंक्रोचमेंट है या जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, रेडी फड़ील का जैसे पूरी सड़क तक घेर रखी है, जिससे कि यातायात में असुविधा होती है और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार इन लोगों को चेताया जाए कि अपना सामान अपने हाथ में रखें और अपना जो है आप भी ये शांतिपूर्वक काम करें, ताकि नगर परिषद पर किसी कोई भी कार्रवाई ना करनी पड़े। परंतु जब ये लोगों द्वारा बार बार नहीं माना जाता तो इस कारण आज नगर परिषद को अंबाला सदर द्वारा कार्रवाई की गई है और भविष्य में लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे अपना सामान अपनी दुकानों के हाथ में रखें और अपना यातायात से चले और एक ये शहर है, इस स्वच्छ शहर के रूप में उभरे, क्योंकि जो इसके हमारे अपना माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो इस शहर को एक सुंदर शहर बनाया जा रहा है और इसमें इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसको हमारा भी जनता का सहयोग बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी अपना पूरा सहयोग करें और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जो है सामान को अपनी दुकानों का हाथ में रखें, ताकि किसी को किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करें। सर, यहाँ जो दुकानें बिल्कुल आगे बढ़ाई गई हैं, उनका सामान भी जब्त किया जो उनको वापसी दे दिया जाएगा, आपके सामने ये जितना है जो भी सामान भी जब्त किया जा रहा है और उनको आज पीछे बिठवाया जा रहा है, अगर ये फिर भी दोबारा अगर ये दोबारा कोई आती है फिर कोई समय मिलती है तो इनका जो सामान समय जब्त पूरा करती है और इनका चलान भी करती है। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।